कौन विंकी अथरी ते पिंडा फड़कर लगदा ऐ शिकार कुछ देर होर दो जबान कौड़ी जेन गंदा लगदा थाने दा फेरा और लुआएंगे अपना ना दस नी अपने नसल दस दे जड़ा नसल पूछे उनमें नख पा देना वनी। पाकिस्तानी सुपरस्टारों के मरने के बाद उनकी फैमिली का क्या बना, उनके बच्चे कहां और किस कसम पुरसी की हालत में जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं, ये सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल बटन दबाना हरगिज न भूलें। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मरकजी हाईवे ग्रांड ट्रंक रोड पर एक कार रवा दवा थी। कार को ड्राइव करने वाला नौजवान काफी रोब और दबदबे के साथ अपने साथ बैठे हुए साथी से महवे गुफ्तगू था। अचानक गुजरा वाला समन बाद चुंगी के करीब उस नौजवान की कार का टायर पंक्चर हो गया, जिसको तब्दील करने के लिए उसने कार रोड साइड पर पार्क की तो अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाते हुए चंद डाकुओं तक आ पहुंचे। नौजवान ने डाकुओं के खिलाफ मजाहमत शुरू की तो मुल्जमान फायर करके फरार हो गए। गोलियां लगने की वजह से काफी खून बह गया और नौजवान ने बीच सड़क पर ही दम तोड़ दिया। जैसे उसकी मौत की खबर फिल्मी हलकों तक पहुँची तो हर तरफ कोहराम मच गया। यकीन जानिए उसकी मौत की खबर सुनते ही पूरा पाकिस्तान शोक की लपेट में आ गया, क्योंकि उन जैसे मकबूल और कामयाब फनकार का यूं कत्ल कर दिया जाना कोई मामूली वाकया नहीं था, क्योंकि जब उन्हें कत्ल किया गया था तो उनकी बहुत सारी फिल्में जेरे तकमील थीं, जिस पर फिल्म साजों का करोड़ों रुपया लगा हुआ था। यही वजह है कि इस नौजवान के इंतकाल से जहां फन की दुनिया एक बेहतरीन फनकार से महरूम हो गई, वहीं पाकिस्तानी फिल्मों पर सरमायाकारी करने वालों को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ा। उनकी मुतअद्दिद जेरे तकमील फिल्में आज भी डब्बू में बंद पड़ी हैं, जबकि उनकी चंद एक जेरे तकमील फिल्में जिनका ज्यादा काम हो चुका था उन्हें जैसे तैसे मुकम्मल करके रिलीज किया गया। लेकिन उस फनकार के जाने से जो खला पैदा हुआ वो आज तक कोई दूसरा फनकार पूरा न कर सका। फिल्मों में लोगों को इंसाफ दिलाने वाले इस नौजवान को इंसाफ न मिल सका और कातिल आज तक न पकड़े जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फन के सुल्तान सुल्तान राही की, जिसका असल नाम हबीब अहमद था। ये फनकार हबीब अहमद से सुल्तान मोहम्मद और फिर सुल्तान मोहम्मद से सुल्तान राही बन गया। वो 1938 को हिंदुस्तान के शहर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1947 में पाकिस्तान हिजरत करके आए, पहले कराची फिर रावलपिंडी और उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गए। सुल्तान राही ने 50 की दिहाई में बहुत मामूली किरदारों से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया, जहां बहुत सी नाकामियों ने उसका इस्तकबाल भी किया। सुल्तान राही विलन और हीरो दोनों रूप में बहुत मशहूर हुए, लेकिन बतौर हीरो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उनकी जोड़ी मोस्तफा कुरैशी और अंजुमन से पहले आसिया के साथ बहुत मकबूल हुई। सुल्तान राही ने सबसे पहले छोटे मोटे किरदारों से शुरुआत की और फिर 1970 में उन्होंने रंगीला की उर्दू फिल्म रंगीला और इकबाल कश्मीरी की फिल्म बाबल में बतौर विलन काम किया। यही फिल्में थी जो सुल्तान राही को मंजर आम पर ले आई। उसके बाद उनको असलम डार ने अपनी फिल्म बशीरा में बतौर हीरो कास्ट कर लिया, जिसने पूरे मुल्क में धूम मचा दी। फिर इसके बाद अहमद नदीम कासमी के नावल गंडासा पर बनने वाली फिल्म वैशी जट मुल्क भर में टॉप ट्रेंड बन गई और सुल्तान राही सफे अवल के अदाकार बन गए। अब उनका नाम फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा। 1972 में फिल्म बशीरा और 1975 में फिल्म वैशी जट ने उनकी जिंदगी का रास्ता मुतय्यन कर दिया। उसके बाद बाकी जिंदगी में वो हाथ में गंडासा पकड़े दुश्मनों से लड़ते रहे। 1976 में उनकी फिल्म तूफान रिलीज हुई तो उसने तूफान उठा दिया। उस फिल्म की खास बात उसका अंग्रेजी फिल्मों जैसा ट्रीटमेंट था। इसी साल मुस्तफा कुरैशी के साथ सुल्तान राही की फिल्म लाइसेंस ने भी तहलका मचा दिया। मुस्तफा कुरैशी हकीकी मानों में इसी फिल्म से मशहूर हुए। संजीदा मुहक्कीकीन ने तहकीक के बाद बताया है कि सुल्तान राही ने 804 फिल्में बनाई। 9 जनवरी के सूरज ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। 9 जनवरी 1996 को दुश्मन की बेरहम गोली ने उन्हें उनके खालिक हकीकी तक पहुंचा दिया। सुल्तान राही की बेगम नसीम सुल्तान से उसके 5 बच्चे पैदा हुए, हैदर सुल्तान, बाबर सुल्तान, तारिक सुल्तान, समीना सुल्तान और सैमा सुल्तान। हैदर सुल्तान ने वालिद की मौजूदगी में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हैदर सुल्तान पहली फिल्म में आए तो वालिद हयात थे, इसलिए लोगों ने फिल्म को देखा और फिल्म कामयाब हो गई। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि हैदर सुल्तान को फिल्मी दुनिया में कबूल ही नहीं किया गया। सुल्तान राही के दूसरे बच्चों ने शोबिज को ज्वाइन नहीं किया और आज ये आलम है कि पाकिस्तान के इतने बड़े हीरो के बच्चों का कोई नाम तक भी नहीं जानता और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कोई शनाख्त है।
फिल्म स्टार आसिया। सुल्तान राही के साथ बतौर हीरोइन आने वाली आसिया बेगम ने अरसाए दराज तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। आसिया बेगम ने इंसान और आदमी से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। उसकी पहली ही फिल्म हिट हुई और पहली ही फिल्म ने उसे सुपरस्टार बना दिया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब कामयाब फिल्मों के लिए सिर्फ आसिया का नाम ही जाना जाता था। फिल्म दो रंगीले, वैशी जट, मौला जट, अमराव जान अदा जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने ऐसा शानदार काम किया कि लोग उनके गर्विदा हो गए। आसिया बेगम अपने कैरियर के अरूज पर थी जब उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी की और फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और कनाडा चली गई। 2011 तक उनकी कोई भी खबर किसी को न थी कि वो क्या करती हैं और किस हाल में हैं। फिर अचानक उसके मदाहों को खबर मिली कि वो शदीद बीमार हैं और वो इलाज के लिए या अपने मुल्क का आखिरी दीदार करने के लिए पाकिस्तान आई और फिर वापस कनाडा चली गई। कनाडा पहुंचने के 2 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। आसिया के 4 बच्चे थे जो अपने वालदैन की वफात के बाद अपना बिजनेस चला ना पाए और मुआशी बदहाली का कहर उन पर टूट पड़ा और अब वो अपनी मुआशी हालात को संवारने की तगोदो में गुम हैं। इन गुमगश्ता यादों में उनके बच्चों को ढूंढना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। रफी खावर अलमारूफ नन्हा। ये एक ऐसी मौत थी जिसने सबको हैरत, तकलीफ और शदीद सदमे में गिरफ्तार कर दिया था। नन्हा का कत्ल था या खुदकुशी ये बात तो साबित नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने मरने से कुछ अरसा पहले काफी मायूसी की बातें शुरू कर दी थी और वो अक्सर बात बात पर मर जाने की बात करते थे। घर वालों ने उनकी मायूसी के पेशे नजर बंदूक छुपा दी थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी वालदा को कस्में दी कि मुझे लाइसेंस की तजवीद करवाने के लिए बंदूक चाहिए। ये बात तो सभी जानते हैं कि नन्हा को अपनी साथी अदाकारा नाजली से हो गया था। हालांकि वो पहले से 3 बेटों के बाप थे, लेकिन उन पर नाजली से शादी करने का भूत सवार था। घर में इसी वजह से कई बार तनाव भी पैदा हुआ था। नाजली ने पहले तो उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा और फिर उनसे कतराने लगी, मगर नन्ना उनकी इस बेरुखी को बर्दाश्त न कर सके और अपने मरने से पहले एक खत लिखा, जिस खत के अल्फाज थे, मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ, किसी को भी मेरी मौत का जिम्मेदार करार न दिया जाए। उसके बाद उन्होंने सुबह 4 बजे के दरमियान अपनी कनपटी पर रखकर बंदूक चलाई और इस हंसते बसते जहान को अलविदा कह दिया। सुबह जब उनके बच्चे थे तो उन्होंने देखा कि उनके वालिद टेलीविजन लाउंज में सोफे पर टेक लगाए मुर्दा हालत में पड़े थे। नाजली को जब नन्हा की मौत का पता चला तो तफ्तीश के दौरान वो जारो कतार रोने लगी। वो बार बार कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें ये भी अफसोस था कि हालात ऐसे हैं, मैं उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकती। आज नन्हा के बच्चे कहाँ हैं, कौन हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की हालत जार में गुजर बसर कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कोई उनको जानता भी नहीं। एक इतला के मुताबिक नन्हा के बेटे पाकिस्तान से बाहर हैं और मेहनत दूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी में बाप का जाना और इस तरह जाना क्या क्या लम्हात लाए, ये तो सिर्फ वही जान और समझ सकते हैं। किस्मत बेग। स्टेज की दुनिया पर राज करने वाली ग्लैमरस गर्ल किस्मत बेग 1981 में लाहौर में पैदा हुई। स्टेज की दुनिया में आई तो बतौर रकासा अपने कैरियर का आगाज किया और देखते ही देखते बड़े बड़े फनकारों को पीछे छोड़ दिया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि किस्मत बेग को स्टेज की हाई पेड एक्ट्रेस का नाम दिया गया। वो किसी भी ड्रामे में अपनी मर्जी का मुआवजा लेने लगी। किस्मत बेग शोबे से इतना कमाने लगी कि उसकी फैमिली का गुजर बसर रईसों की तरह होता था। किस्मत बेग के 2 बच्चे थे जिनको दुनिया की किसी भी आसाइश की कोई कमी ना थी। यूं समझ लीजिए कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। मगर किस्मत बेग की किस्मत ने ऐन अरूज में ही साथ छोड़ दिया। वैशी दरिंदू ने उसे सरे बाजार गोलियों से भून दिया। किस्मत बेग के मरने के बाद उनके दोनों बेटे उमर और शबाब अपनी खाला सितारा बेग के पास रहते हैं। अब इन मासूमों से तमाम ऐशो निशाब छिन चुका है। वो गुर्बत और गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और वो 2 वक्त के खाने के लिए भी अपनी खाला के मरहूने मिन्नत हैं। जमशेद अंसारी। एक जमाने तक अंकल उर्फी के किरदार से दिनों पर हुकूमत करने वाले और बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में पजीराई हासिल करने वाले जमशेद अंसारी का जिक्र सिर्फ उनकी बरसी या फिर किसी खास पीटीवी के दोहराए जाने वाले ड्रामे के दौरान ही होता है। उन्होंने इस इंडस्ट्री को 40 साल का अरसा दिया और इस दौरान अपनी फैमिली को भी वक्त दिया। उनके घर में 2 बेटियां और 1 बेटा थे। जमशेद अंसारी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और ये वक्त उनके और उनके घर वालों के लिए बहुत मुश्किल था। बीमारी के कुछ अरसा बाद वो इस दुनिया से रुखसत हुए और आज उनके बच्चे दुनिया के झमेले में इस तरह गुम हैं कि कोई उन्हें जानता भी नहीं और ना ही किसी ने पूछा है कि वो किस हाल में हैं।